हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 10.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है डिवाइड राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है 21m² / 7m। तो आपको इसको पहले डिवीजन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 21m² और यहाँ पे m 7m। अभी क्या करना है आपको कि 7 के टेबल में 21 कौन से नंबर पे आता है, 7 के टेबल में 21 कौन से नंबर पे आता है, आपका 3 नंबर पे। ठीक है, ये 3 नंबर लिखा आपने। फिर हमें क्या करना है, ये m वर्ग है, m के कितनी बार लिखा है, m इंटू m मतलब m वर्ग, और यहाँ पे m एक ही है m, तो यहाँ पे m और यहाँ पे कटा, तो आपका बचा क्या है यहाँ पे m, तो यहाँ पे 3m लिखना है। ये तो पता है आपको, नंबर से नंबर डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 21 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता है, मीन्स 1 होता है, तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, m का स्क्वायर पे 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत वैसे होती नहीं है, तो आपको क्या करना है, m स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइनस करने के बाद आपको आंसर 0 मिल जाएगा। तो इसको ऐसे लिखना है आपको, कोशंट, कोशंट इक्वल टू, कोशंट कितना है आपका 3m, और रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर जो बचा है हमारा 0 बचा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया है 40a³ / 10a। देखो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे करना है तो 40 को आप ऐसे भी कर सकते हो, 40a³ और यहाँ पे 10a। तो इसको हमें क्या करना है, ये 10 × 4 आता है, 10 × 4, ए को क्या करना है, ये तो आपको पता है, नंबर को तो पता है। ठीक है, 40, यहाँ पे तो मैं पहले 40a³ लिखता हूँ और यहाँ पे 10a लिख देता हूँ। ये 40 को तो आपको पता है, ये 4 आता है, यहाँ पे a के सिर पे 3 है, मीन्स ए कितनी बार लिखना है, a × a × a, ए का क्यूब है मतलब 3 बार ए है, और यहाँ पे a की बार ए है, तो डिवाइडेड बाय a की बार ए, तो यहाँ का एक गया, यहाँ का एक, ये 2 बार बचा, ये गुणीले a बचा हमारा, मीन्स इसको ही हम क्या कर सकते हैं, a कितने बार आया, 2, 2 बार आया, तो हमें यहाँ पे लिखना है a 2 बार आया। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख देना है, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 0। यहाँ पे फिर आंसर लिखना है कोशंट, कोशंट 4a² एंड जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर जो है आपका 0। ये एक्चुअली माइनस में था, तो ये जो भी है फुल आंसर है, ये माइनस माइनस है, तो आपका आंसर जो रहेगा वो माइनस में ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इस तरह से, ये प्लस में है हमारा आंसर, लिख लो। चलो थर्ड, तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमारा हमें जो डिवाइड करना है 9 − 9p² और यहाँ पे लिखना है −48p⁴। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर 9 के टेबल में 48 को आता नहीं है, तो इसको कैसे करना है, p का कैसे करना है, 48 और ये 9 अलग से लिखना है, और p⁴ है, और p का पावर 2 है, इसका कैसा करना है, p⁴ है मतलब p × p × p × p, और p का पावर 2 है मतलब p × p। ठीक है, यहाँ पे p का पावर 4 है इसलिए 4 बार p, यहाँ पे p का पावर 2 है मतलब 2 बार p, p का पावर 4 है मतलब 4 बार p लिखना है, p का पावर 2 मतलब
दो बार पी लिखना है, मीन्स यहाँ पे पी दो बार लिखना है, यहाँ पे पी चार बार। तो यहाँ पे एक पी कट गया है, यहाँ पे एक पी कट गया है, यहाँ पे एक पी कट गया है, यहाँ पे। तो पी का पी कितने बार बचा, पी दो बार, पी का पी कितने बार, दो बार। तो यहाँ पे पी का स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे पी का स्क्वायर लिखना है, बहुत ईजी है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों को भी हमें डिवाइड करना है, ठीक है। या इसको भी थ्री से जा सकता है, इसको भी थ्री से। तो इसको थ्री से डिवाइड किया तो आ जाएगा 16, और इसको थ्री से डिवाइड किया तो आ जाएगा, अभी इसको डिवाइड हो नहीं सकता, इसको डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, तो इसको 48 को डिवाइड करने के लिए 16 डिवाइडेड बाय 3 लिखना है, ठीक है। और फिर ये जो आंसर लिखा है हमने, इसको एज इट इज लिखना है, ये एज इट इज लिखना है। फिर इसका साइन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिख देना है। और ये आंसर माइनस करके फिर माइनस का हमारा प्लस हो जाएगा, और आंसर हमेशा जीरो ही होना चाहिए आपका। तो जो भी है हमें पूरा का पूरा डिवाइड करना है, और आंसर यहाँ पे हमेशा जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पी का स्क्वायर। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दोगे तो बहुत इजीली आपको सब समझ में आ जाएगा। रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर हमेशा पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर हमारा जो आएगा वो जीरो ही आएगा। चलो ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, 40 m का 5 m का पावर 5, 30 m का पावर 3 m का पावर 3। इसको अभी हम डिविजन के रूप में लिखते, 40 m का पावर 5 एंड 30 m का पावर 3। अभी इसको क्या करना है, देखो ये 40 लिख लो आप ऊपर, ये 30 इधर लिख लो, और ये जो पावर है m का पावर 5, m का पावर 5 अपॉन m का पावर 3। मीन्स हमारा क्या करना है, यही जो है ये फॉर्मेट में क्या कर रहा हूँ, ये 40 अपॉन 30 लिख रहा हूँ, या मैं एक ही साथ लिखता हूँ। 40 को हम क्या कर सकते हैं, 40 m का पावर 5 एंड 30 m का पावर 3। इसको फिर मैं क्या कर कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10 इंटू 4 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ये दोनों भी 10 के टेबल में आते हैं। तो 10 इंटू 4 आया, यहाँ पे ये 10 इंटू 3 आया। यहाँ पे m कितनी बार लिखना है, m 5 बार, ऊपर पावर 5 है, मतलब इसका मतलब है आपको m कितने बार लिखना है, 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम्स लिखना है। और यहाँ पे m का पावर 3, मतलब m कितने बार लिखना है आपको, 3 टाइम्स, 1, 2, 3। अभी कैंसल आउट करना है, ये 10 गया, ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 3। यहाँ पे 1, 2, 3, 3। तो ऊपर कितने m बचे, m दो बार बचे हैं, तो m का पावर 2। तो हमारा जो आंसर रहेगा, हमारा आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, 4/3 m का पावर 2, ठीक है। और ये जो हमने जो नंबर लिखा है उसको एज इट इज लिखना है, और इसको माइनस करके आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो क्वेश्चन कितना है हमारा, क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन इक्वल टू 4/3 m स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो हम फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 5x का क्यूब 3x का स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन तो काफी इजी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 होता है, लेकिन ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। 5x 3 माइनस 3x 2, पहले इतना ही, यही चीज देखनी है आपको, इतना ही देखना। तो यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्टली ये 5 यहाँ पे जाएगा, और ये जो x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, उसका मतलब क्या होता है, x कितने बार लिखना है, x लिखना है आपको 3 बार, x लिखना है x का पावर 3। देखो यहाँ का मैंने x का पावर 3 लिखा, यहाँ पे x का पावर 2 है, x का पावर 2, तो मैं यहाँ पे x कितने बार लिखूंगा, x लिखूंगा 2 बार लिखूंगा,
ठीक है, हमें कितने बार लिखना है x, दो बार, तो यहाँ का x कैंसिल हो गया, यहाँ का कैंसिल हुआ, यहाँ पे ओनली बचा x, ओनली x बचा, तो पावर लिखना नहीं, वन पावर कभी भी लिखते नहीं है, ठीक है, ये चीज आइडेंटिटी लिखनी है आपको, और ये जीरो लिख दो यहाँ पे आंसर, फिर वो जो बचा हुआ है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, वो आइडेंटिटी लिखना है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, यहाँ पे तो वन होता है, तो आपको ये माइनस है तो माइनस से लिखना है थ्री, ठीक है, एक्स का पावर दो है, यहाँ पे भी एक्स का पावर दो है, तो एक्स का पावर वापस से नहीं लिखना है, ठीक है, एक्स का पावर दो, और देखो एक्स का पावर दो, एक्स का पावर टू, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे भी एक्स इंटू एक्स, ओके, एक्स का पावर टू मतलब एक्स इंटू एक्स, एक्स का पावर एक्स टू मतलब एक्स इंटू एक्स, दो बार एक्स लिखना है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब वन बचा, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, तो आपका माइनस माइनस का प्लस में हो जाता है, ये आंसर जीरो, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ वाला है उसका आंसर हो गया, अभी हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है हमारा, एट पी क्यूब माइनस फोर पी अपॉन टू पी, एट पी क्यूब माइनस फोर पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर, अभी देखो यहाँ पे टू के टेबल में एट कौन से नंबर पे आता है, चार नंबर, ठीक है, यहाँ पे एट लिख दिया, यहाँ पे पी का पावर तीन है, यहाँ पे पी का पावर दो है, ठीक है, पी का पावर तीन और नीचे पी का पावर दो, पी का पावर तीन मतलब पी आपको तीन बार लिखना है, पी का पावर दो मतलब पी कितने बार लिखना है, दो बार, एक दो गया, एक दो, पी कितने बार बचा, एक, तो आपका यहाँ पे पी आएगा, तो ये एज इट इज लिखना है, ठीक है, माइनस कर दिया जीरो आ जाएगा, ये माइनस फोर पी स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, तो आपको पी स्क्वायर ऊपर नहीं लिखना है, माइनस आए तो यहाँ पे माइनस लिखते, टू के पावर टेबल में फोर कौन से नंबर पे आता है, टू के टेबल में टू, टू के टेबल में टू टू नंबर पे आता है फोर, तो आपको फोर पी स्क्वायर लिखना है, देखो यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोई पी नहीं आएगा, यहाँ पे टू के टेबल में फोर टू नंबर पे आता है, तो यहाँ पे टू लिख दिया, और मैंने क्या करना है, ओके यहाँ पे माइनस है, तो माइनस एज इट इज लिख के माइनस को प्लस करना है, आंसर हमारा जीरो आएगा, इसका रिमाइंडर लिखना है आपको, फोर पी माइनस टू। हमारा जो नेक्स्ट सेवंथ वाला क्वेश्चन है वो इस तरह से, टू वाई का क्यूब फोर वाई का स्क्वायर प्लस थ्री और टू वाई का स्क्वायर, तो देखो टू के टेबल में टू कौन से नंबर पे आता है, वन नंबर, और यहाँ पे टू वाई स्क्वायर, सो यहाँ पे वाई का पावर थ्री है और वाई का पावर यहाँ पे टू है, तो आपको क्या करना है, वाई यहाँ पे थ्री टाइम्स लिखना है आपको, वाई का पावर थ्री मीन्स वाई थ्री टाइम्स लिखना है, वाई का पावर टू मीन्स वाई टू बार लिखना है, यहाँ पे गया ये गया ये गए, तो वाई कितने बार आया, वन बार, तो वन वाई, वन लिखने की जरूरत नहीं रही थी इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज लिख देना है मुझे, माइनस करो जीरो आ जाएगा, ये फोर वाई प्लस, ठीक है, अभी देखो ये यहाँ की जो पावर है, सॉरी यहाँ पे टू है, यहाँ की पावर टू वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वाई का पावर टू है, यहाँ पे भी वाई का पावर, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे वाई का पावर फोर, सॉरी वाई के साथ फोर है, यहाँ पे टू है, तो टू के टेबल में फोर कौन से नंबर पे आता है, टू नंबर पे आता है, फोर वाई का स्क्वायर, ठीक है, तो आंसर आएगा जीरो प्लस, भी देखो यहाँ पे वाई के साथ कुछ नहीं है, यहाँ की जो पावर है वो ज्यादा है, ठीक है, तो ये रिमाइंडर है और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना है आपको, क्वेश्चन आया वाई प्लस टू और रिमाइंडर जो आया आपका, रिमाइंडर आपको थ्री लिखना है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर एट करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 21 एक्स का पावर फोर 14 एक्स का पावर टू एंड 7 एक्स उसको डिवाइडेड बाय 7x का क्यूब,
तो यहाँ पे सेवन के पार्ट में 21 कौन से नंबर पे आता है? सेवन के टेबल में 21 आता है 3 नंबर पे। यहाँ पे x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 मतलब 4 टाइम्स x लिखना है आपको। x 4 बार लिखा है हमने, और यहाँ पे x का पावर 3 है, तो x कितने बार लिखना है आपको? x 3 टाइम्स लिखना है। 1 2 2 गया, बचा ओनली x, तो आपको यहाँ पे x लिखना है। ये चीज आपको, ये जो ऊपर वाला है वो एडिटिव यहाँ पे कैरी करना है। आंसर आएगा 0 माइनस 14x का पावर 2 प्लस 7x। भी आप देखोगे तो यहाँ का पावर 2 है लेकिन यहाँ का पावर 3 है। जब यहाँ का पावर जब ज़्यादा होता है कंपेयर टू ये, तो आपका आंसर आगे नहीं करना है। देखो अगर आप देखोगे x का पावर 2 है और नीचे x का पावर 3 है, तो x का पावर 2 मतलब x इंटू x 2 टाइम्स x, और x का पावर 3 मतलब x इंटू x इंटू x। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में अभी भी x बच रहा है, हमें डिवीजन करना है, लेकिन डिनोमिनेटर में अभी भी हमारे पास एक x बच रहा है, तो हमें इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ट्यूब का क्वेश्चन आपका आया 3x, रिमाइंडर जो बचेगा आपका, मतलब जब भी ये जो पावर है यहाँ का पावर इससे जब भी छोटा होता है, ये बड़ा होता है यहाँ का पावर, तो हम उसके आगे नहीं कर सकते। ये हमेशा ये जब बड़ा होता है यहाँ का पावर तो ही हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ का पावर जब भी आएगा उसके आगे हम नहीं कर सकते। माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। तो इस तरह से हमारा 7th वाला क्वेश्चन हो गया। अभी हम 8 नंबर के क्वेश्चन पे, सॉरी ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, अभी 9th एंड 10th दो क्वेश्चन बचे। तो हमारा 9th वाला जो क्वेश्चन है, 9th वाला इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया, उसको सॉल्व कर दिया। देखो 2 के टेबल में 6 कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर। और यहाँ पे अभी यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x का पावर 5 है, तो x का पावर 5 अपॉन x, x का पावर 5 मतलब आपको x 5 टाइम्स लिखना है। और यहाँ पे एक ही बार x है इसलिए एक बार, तो ये x गया, ये x गया, ये x कितनी बार बचा? x 4 टाइम्स बचा, मीन्स x का 4th पावर, ठीक है, x का 4th पावर। तो यहाँ पे आपको लिखना है x का पावर 4, तो ये एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है। और माइनस करते समय आपको ये कैंसिल हो गया आपका, तो बचा माइनस 4x का पावर 4, 8x का पावर 3, 2x का पावर 4। भाई देखो 2 के टेबल में यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आपका आंसर माइनस रहेगा क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। और यहाँ पे आपका x का पावर 4 है, x का पावर 4, और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं मतलब x, x का पावर 4 मतलब x आपको 4 टाइम्स लिखना है, x को 4 बार लिखना है। और यहाँ पे x का सिर पे कुछ नहीं मतलब x एक ही बार है, तो एक गया, एक गया, x कितने बार बचा? x 1 2 और 3, 3 x है, तो x का पावर 3 रहेगा, तो आपको यहाँ पे माइनस 2x का पावर 3। तो ये चीज आपको एडिटिव लिखनी है, ओके। माइनस में साइन चेंज होते हैं, ठीक है, तो माइन ये फिर बाद की बचा बोला हुआ जो भी चीज पार्ट है आपको लिख देना है, ठीक है। 2 के टेबल में 8 अगर आप देखोगे, 2 के टेबल में 8 आता है 4 नंबर पे, और x का पावर 3 है यहाँ पे, x का पावर 3, और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं मतलब एज इट इज, x का पावर 3 मतलब x इंटू x इंटू x, और यहाँ पे एक बार x है, x x कर गया, x दो बार है, x का पावर 2, तो x का पावर आपको 2 लिख देना है। ये चीज आपने जो लिखी है उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अगर इससे इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, तो माइनस करने के बाद आपके पास 2x का पावर 2 बचेगा। फिर 2 के टेबल में 2 आता है 1 नंबर पे, और यहाँ पे x का पावर 2 है, x का पावर 2, और x x का पावर 2 मतलब दो बार x, और नीचे x, ये एक गया, एक गया, x का पावर 1 बचा, तो ओनली x लिखा तो भी चलता है, तो 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो आपको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एज इट इज मिलेगा, और तो आपका रिमाइंडर कितना आया? 0, ठीक है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे क्वेश्चन 3x 4
माइनस टू एक्स का पावर 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रिमाइंडर जो रहेगा आपका रिमाइंडर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 9 क्वेश्चन हो गया, लास्ट वाला 10th वाला। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये करेंगे अगर अगेन कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, तो अब ये 5 के टेबल में 25 कौन से नंबर पे आता है, 5। सो हमने 25 लिख दिया, यहाँ पे m का पावर है 4, m का पावर 4 है मतलब m आपको कितनी बार लिखना है, m 1 2 3 और 4 बार लिखना है, और नीचे m का पावर 3 है तो m का पावर 3 से हमें उसको डिवाइड करना है, तो m कितनी बार लिखना है आपको, 3 बार टाइम्स 1 2 1 2 1 2, तो m एक ही बार बचा है तो यहाँ पे m एक ही बार लिखना है, तो m का पावर 4 आइडेंटिटी लिखना है आपको, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0। रख देते हैं एंटिटी m का पावर 3, देखो यहाँ पे भी m का पावर 3 है, यहाँ पे भी m का पावर 3 है, तो अभी आपको m नहीं लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखो। 5 के टेबल में 15 के कौन से नंबर पे आता है, 3। ठीक है, देखो m का पावर 3 है यहाँ पे ऊपर, अपॉन m का पावर 3 मतलब m कितने बार लिखना है आपको, m 3 बार लिखना है ऊपर, m नीचे भी 3 बार लिखना है आपको, तो ये सब m कैंसिल हो गए, ऊपर 3 है नीचे 3, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं है मतलब 1 बचा। ठीक है, कुछ नहीं लिख रहा है आपको, तो यहाँ पे m लिखना ही नहीं है आपको, तो माइनस 15 m में जैसे कि वैसे लिख रहा हूँ। 5 के टेबल में 15 कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, तो हमारा ये हो गया हमारा माइनस है तो माइनस करके इसको यहाँ पे प्लस करना, माइनस है तो माइनस करके प्लस करना है, आंसर 0। तो बचा हुआ जो भी पार्ट है आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे भी लिखते हैं हम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे m का पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे m का पावर है 3, तो यहाँ का पावर ज्यादा है, तो ये आंसर यहाँ पे ही फिनिश हो गया। तो यहाँ पे लिखना है आपको क्वेश्चन 5m माइनस 3 एंड रिमाइंडर जो है आपका, रिमाइंडर जो है 10m प्लस 8। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।